हेलो फ्रेंड्स, तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ग्रेड थ्री का एग्जाम को लेके, जो कुछ देर पहले कंप्लीट हुआ है और सबका एग्जाम कंप्लीट हो गया। ग्रेड थ्री का HS लेवल का एग्जाम, और मैंने एग्जाम दे के आया हूँ। और आज के इस वीडियो में हम उसका कुछ फीडबैक लेके बात करेंगे, फीडबैक को लेके जो कुछ पॉइंट्स मैंने नोट्स किया है, जो कुछ अच्छा था और कुछ प्रॉब्लम भी था। वो क्या है, देखिए लास्ट डे में जब मैं वीडियो बनाया था, उस टाइम बोला कि बाइक की चेन चाबी की बात करूँ तो बाइक की चाबी लास्ट टाइम अलाउ नहीं हुआ था, बट इस बार अलाउ है। क्योंकि जब मैंने शू लगा के किया था तो वहाँ पे जाके मैंने जब शू खोल के दिखाना पड़ता है कि शू के अंदर कुछ है कि नहीं, फिर एक कैंडिडेट आया है कि उसका बाइक की चाबी लेके अंदर जाना है, क्योंकि बाइक की चाबी रखने का जगह नहीं है। तो वो लोग क्या किया, चाबी को चेक किया है कि इसमें रिमोट है कि नहीं है, कुछ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है कि नहीं है। वो चेक करने के बाद जब देखा कि कुछ भी नहीं है, इसमें सिर्फ चाबी ही है, तो वो लोगों ने इस चाबी को अलाउ कर दिया है। ठीक है, तो ये बहुत एक अच्छे सिस्टम है कि बाइक की चाबी अलाउ कर दिया है, ये ज़रूर होना चाहिए। और एक जो मेरे पास सही नहीं लगा, क्योंकि देखिए इंटरनेट मैंने सुना कि 10 बजे से बंद होगा, 10 बजे से 1:30 बजे तक या फिर 2 बजे तक, लेकिन इंटरनेट बहुत पहले बंद कर दिया गया है। और जैसे कि एयरटेल तो सुबह 6 या 7 बजे से बंद था, और जियो भी 8 बजे शायद बंद कर दिया है, क्योंकि और नेटवर्क बहुत स्लो था। और जब मैं जाते वक्त मेरे पीछे एक छोटा भाई था, उसको लेके गया था, और प्रॉपर लोकेशन मुझे नहीं पता था कि मुझे कहाँ पे जाना है, इस एरिया मुझे कौन से स्कूल में जाके जाना है, क्योंकि मेरे पास टाइम बहुत ही कम था। मेरे पास ही नहीं, क्योंकि रास्ते में बहुत जाम था और सभी कैंडिडेट्स के पास उस टाइम बहुत ही कम है, और उस टाइम कम की वजह से और प्रॉपर लोकेशन नहीं होने की वजह से एक प्रॉब्लम होता है कि लोगों को पूछना पड़ता है, और कभी कभी लोग गलत इन्फॉर्मेशन भी दे देते हैं। ठीक है, तो गलत इन्फॉर्मेशन दे देते हैं, इसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में कुछ बात करेंगे कि मेरे पास क्या क्या हुआ था गलत इन्फॉर्मेशन के बारे में, और लोग दिया इसीलिए मेरे को बहुत प्रॉब्लम में जाना पड़ा गलत इन्फॉर्मेशन के बारे में। अभी देखिए इस बार मेरे को गलत इन्फॉर्मेशन तो नहीं मिला है, फिर भी मैंने सोचा था कि लोकेशन देख के मैं चला जाऊँगा इंटरनेट गूगल मैप देख के, बट गूगल मैप जब भी ऑन किया देखता हूँ कि नेटवर्क ही नहीं है, तो लोगों को पूछ पूछ के मेरे को एग्ज़ाम सेंटर में जाना पड़ा। और अच्छा हुआ कि एग्ज़ाम सेंटर में मैं टाइमली पहुँच गया है, और मेरे जैसा और भी कैंडिडेट हो सकता है कि वो लोग किसी को पूछे या फिर गलत इन्फॉर्मेशन उन लोगों को मिल गया है, और भी कुछ परेशानी हुआ उन लोगों के साथ इंटरनेट नहीं होने के कारण। ठीक है, तो कोई बात नहीं, इसका कारण भी कुछ हो सकता है, मुझे इतना तक नहीं पता है कि इतना पहले क्यों बंद कर दिया गया है, इसका ज़रूर कुछ रीज़न होगा। ठीक है, और देखिए एग्ज़ाम जब स्टार्ट हुआ, इसमें एग्ज़ाम में कुछ अच्छा टाइम है कि एग्ज़ाम स्टार्ट हुआ 10:30 बजे से 1:30 तक, 10:30 से 1:30 तक एग्ज़ाम था, और 10 बजे आपको रूम में एंट्री देता है, और 10 बजे से 10:30 बजे तक आपका जो OMR शीट और क्वेश्चन बुकलेट है उसका जो नंबरिंग है, आपको OMR शीट में फिलअप करना पड़ता है, आपका डिटेल्स, क्वेश्चन बुकलेट नंबर, रोल नंबर, वो सब कुछ करने के लिए आपके पास और एक हाफ एन आवर टाइम दिया गया है, आधे घंटे में आप वो सब भी कर सकते हो। सब एग्ज़ाम में ऐसा OMR शीट वाला जो भी एग्ज़ाम है इसमें ऐसा ऑप्शन नहीं देता है, बट इस बार बहुत एक अच्छा ऑप्शन है, इसमें ऐसा दिया है। अगर आपने एग्ज़ाम देते तो इसको ये आपको ज़रूर पता होगा, बट नेक्स्ट जो है ऐसा भी हो सकता है कुछ कैंडिडेट्स जो ग्रेजुएशन वाला एग्ज़ाम ग्रेजुएशन का एग्ज़ाम देने वाले हैं, HS लेवल का एग्ज़ाम नहीं दिया उन लोगों ने, और ऐसे भी कुछ कैंडिडेट्स हैं जैसे कि उन लोगों का सिर्फ मैट्रिक है और एज पास है, तो उन लोगों का ग्रेड 4 का एग्ज़ाम देंगे, बट ग्रेड 3 का एग्ज़ाम वो लोग नहीं दे पाएंगे। तो उन लोगों के लिए ये वीडियो बहुत ही अच्छा होने वाला है, इंपॉर्टेंट होने वाला है, कि मेरा ये वीडियो देखने के बाद आपको कुछ जरूर आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। ठीक है, वो और 3 घंटा दिया है एग्ज़ाम के लिए, 3 घंटा बहुत ही अच्छा टाइम है, क्योंकि जो OMR का जो एक गोल है ना, इसमें आपको फिलअप करने में थोड़ा टाइम लगता है, क्योंकि अगर आप इमरजेंसी में फिलअप करोगे तो अगर एक इंक भी गोल के बाहर आ गया तो ये आपको जो क्वेश्चन है वो पूरा रिजेक्ट हो सकता है, इसीलिए आपको टाइम ज़रूर होना चाहिए आपके पास। और 3 घंटा बहुत ही अच्छा टाइम है, 3 घंटे में आपको ये सब 150 क्वेश्चन आपको कंप्लीट करना। ठीक है, तो गाइस इस वीडियो में बस इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो में और कुछ लेके आएंगे आपके लिए, और वीडियो को शेयर कीजिएगा, वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, फॉलो कीजिएगा। थैंक यू।